नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपका क्वेश्चन हो। क्वेश्चन आया है सुमितोमो केमिकल के ऊपर, एनालिसिस करेंगे आज की डेट में बाय करने लायक है नहीं है, क्या क्या ऑप्शंस है एज अ बायर, एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, और अगर किसी के पास होल्डिंग में है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, हम उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। बट आप अगर आपका भी कोई ऐसा स्टॉक हो कमेंट जरूर करिए, मेरे पास वो नोट रहते हैं, मैं आपके हर एक शेयर को लिखता हूँ कि आपने किस पे कमेंट किया है। फिर ज़्यादा कमेंट जिस पे हमें मिलते हैं हम उस स्टॉक को लाते हैं, और साथ में उसके चार्ट पे कुछ हमें दिखता है तो ही उसको लाते हैं। तो राइट नाउ आज आया है सुमितोमो केमिकल, इसके ऊपर आज की डेट में क्या हो सकता है डिस्कस करेंगे। किसी टाइप से बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन देखिए दोस्तों, ना मैं देता हूं ना मैं दे सकता हूं तो वो नहीं मिलेगी, लेकिन हम डिस्कस जरूर करेंगे कि स्टॉक जो है आज की डेट में चार्ट के हिसाब से क्या कर सकता है, और हम उस पर एजुकेशन और लर्निंग देने की कोशिश करेंगे। और साथ में यह भी जानेंगे एज अ बायर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, क्या हमें जल्दीबाजी में बाय करना है या रुक रुक के बाय करना है या नहीं करना है, सारे डिसीजन हम लोग डिसाइड करेंगे क्या क्या हो सकते हैं। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले सुमितोमो को आप ध्यान में देखिए, यहां पर स्टॉक अपने हाई से 30% स्टॉक जो है अभी तक करेक्ट हुआ है। इससे पहले 25% की गिरावट हमने देखी, उससे पहले 21% की, और कोविड के अंदर स्टॉक 46% तक अपने हाई से टूटा था। ये चीज़ें में ध्यान में होनी चाहिए। अभी टूट गया वो 30%, तो ये जनरली 30% के आसपास टूटता है, 25-30% टूटता है। पिछली दो बड़ी गिरावटें तो यही दिखाती है, बाकी चार्ट अवेलेबल नहीं है। और बड़ी से बड़ी गिरावट में टूटा है 46%। तो अब क्या कर सकते हैं आज के डेट में उसको देखते हैं, और ये टूटा क्यों है, क्या इसके फंडामेंटल्स में कोई ऐसी खराब दिक्कत हुई है कि इस स्टॉक को टूटना जरूरी हो गया, तो वो चेक करते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स अगर हम देखने जाएं तो हमें पता चलेगा कंपनी का मार्केट कैप देखिए बहुत बढ़िया है। लगभग यहाँ पर जो मार्केट है वो 20,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी लगभग 40 के आसपास, ROC ROE बहुत अच्छा माना जाएगा। प्रमोटर्स की होल्डिंग 75%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 यानी डेट फ्री कंपनी। प्रॉफिट की ग्रोथ 20% रही है जो कि ठीक ठाक है। मार्केट कैप टू सेल्स 5 times है, ओके कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। यहां पे बात कर लेते हैं EPS की, ₹10 का EPS है। फ्री कैश फ्लो 984 करोड़ का, PEG रेशियो 1.4 के आसपास का PEG रेशियो है हमारे पास अवेलेबल। ये डाटा हमें ध्यान में होनी चाहिए। और देखिए कंपनी करती क्या है सारी चीजें वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए कंपनी पैसा कैसे कमाती है उसको समझिए। कंपनी देखिए दोस्तों केमिकल बिजनेस में है, तो आपको पता ही है केमिकल में क्या क्या बनाती है। देखिए इंसेक्टिसाइड से उनसे 43% की रेवेन्यू, हर्बिसाइड से 24% की, PGR से 9%, फंगीसाइड से 9%, और बाकी जो मेटल फॉस्फाइड्स है एंड ANDA एंड ESDA वहां से रेवेन्यू आती है। ज्यादातर रेवेन्यू हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड से आती है और यहीं से कंपनी पैसे कमाती है। ये कहां यूज होते हैं, ये किसानों को पता है कहां यूज होते हैं, ये कृषि में यूज होते हैं, फार्मिंग में यूज होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये वो केमिकल्स कंपनी बनाती है। पैसा और कहां से कमाती है, इंडिया से ज्यादातर 75% रेवेन्यू आती है। साउथ अमेरिका में भी कंपनी अपना माल बेचती है, अफ्रीका में और जापान में। एक्चुअल में इसके कंपनी के प्रमोटर जापानीज ही हैं और ये जापानी कंपनी है, इंडिया में अपनी यूनिट लगा के काम कर रही है, इंडिया का अलग बिजनेस है इसका। और अब चलिए यहाँ पर देखिए कि कंपनी का अगर हिस्टोरिकल हम डाटा देखें तो वो देखिए क्वार्टर रिजल्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों ये डाटा जो मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ ट्रेड ब्रेन के पोर्टल पे। आप भी देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा कोड है मनी20। इनके प्रीमियम प्रोडक्ट लेंगे तो 20% का मेरा कोड डालने पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ ट्रेड ब्रेन पोर्टल, डिस्क्रिप्शन में लिंक। क्वार्टर रिजल्ट, पिछले 5 quarter के रिजल्ट देखिए। मार्च 2022 में कंपनी जो यहां पर पोस्ट करती है सेल्स वो लगाती है 665 करोड़ का और प्रॉफिट देती है 75 करोड़ के लगभग का। और फिर आते आते जून में देखिए सबसे अच्छा इनका जो क्वार्टर रहता है हमेशा हर साल सितंबर का रहता है। सितंबर 22 में लगभग 1100 करोड़ से ऊपर की सेल्स करी और प्रॉफिट 200 करोड़ से ऊपर का दिया। और सितंबर 2000 अगर पीछे की डिटेल देंगे 21 की वगैरह की तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। बाद में मार्च आते आते आप देखिए 72 करोड़ का प्रॉफिट, 652 करोड़ की सेल्स। अब 10 क्वार्टर का आप एक बार देखिए, 10-12 क्वार्टर का इसका जो रिजल्ट है वो देखिए। मार्च 2020 में 450 करोड़ के लगभग की सेल्स, 23 करोड़ का प्रॉफिट, मार्जिन 9%, और वो बढ़ते 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 आप देखिए सितंबर 20 के अंदर कितना हो जाता है, 158 करोड़ का प्रॉफिट, 900 करोड़ की सेल्स। सितंबर में सबसे अच्छी सेल्स रहती है, मानसून के बाद का होता है शायद, इसलिए हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी नॉलेज नहीं है मुझे। सितंबर 21 में 900 करोड़ की सेल्स, 154 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 22 में 1100 करोड़ की सेल्स और 200 करोड़ का प्रॉफिट। ये ध्यान रखिए सितंबर का जो भी क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो सबसे अच्छा आता है इस कंपनी का, ये मैंने नोट डाउन किया है। आगे देखिए पिछले 5 साल के P&L को देखिए, 2018 19 20 21 22 को ध्यान से देखिए, 145 करोड़, 166 करोड़, 205 करोड़, ऐसे बढ़ते रहते। प्रॉफिट 424 करोड़ तक आया, सेल्स 1900 करोड़ से 3000 करोड़ तक आई, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने प्रॉफिट में भी और सेल्स में भी। लेकिन 2023
में क्या हुआ है वो अलग से देखिए। अब डाटा सेल्स देखिए, 3500 करोड़ की सेल्स, नेट प्रॉफिट 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो कहीं से क्या फंडामेंटल में कोई दिक्कत है भाई? अभी तो नहीं लगती, शायद ग्रोथ मिसिंग हो सकती है आगे, ऐसा लग रहा होगा प्लेयर्स को, इसलिए यहाँ पे बड़ा रिवॉर्ड नहीं आ रहा, वो अभी आप चार्ट पे समझेंगे। सेल्स ग्रोथ 5 साल की 13%, 3 साल की 13, और ट्रेलिंग 12 मंथ की भी 15% रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 28-30% है, सेम है, और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 22-24% का सेम है। तो क्या दिक्कत है फंडामेंटल्स में? तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अगर बात कर लीजिए शेयर होल्डिंग की, तो 78% होल्डिंग थी 2020 में, जो इनको कम करके सेबी के रूल के हिसाब से 75% करनी थी वो कर ली है अभी तक। और FIIs के पास 2.4% की होल्डिंग, DIIs के पास में 5.5% की, और पब्लिक के पास में 17% की होल्डिंग। 83-84% माल किसके पास? बड़े प्लेयर्स के पास। पब्लिक के पास कितना? 17% माल। तो ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है। करते हैं चार्ट पे चर्चा, क्योंकि क्लियर पिक्चर वहीं समझ आएगी। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो आप देखेंगे कि चार्ट पे ये सारी चीज़ें हमने जो लगाई थी वो लगी हुई है। मैं इनको मिटाता हूँ आपके सामने, और एक बार हम समझते हैं कि आज की डेट में स्टॉक जो वो कर क्या रहा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, स्टॉक का ट्रेंड अब जो है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड के अंदर स्टॉक आ चुका है। अब क्या यहाँ पे कूद के बाय कर लें क्या? कई लोगों को लगता है बस अब बाय कर लो, कल ऊपर चला जाएगा स्टॉक, अभी लेना है मेरे को। तो अगर 2 रुपये महंगा मिल गया तो मेरे लिए तो दूसरा आदमी दोषी है जिसने मना किया था। समझो, क्या यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हो रहा है टेक्निकल के ऊपर? नहीं हो रहा। क्या कोई ब्रेकडाउन हो रहा है? नहीं हो रहा। स्टॉक क्या कर रहा है? धीरे 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 करके ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है। तो क्या यहाँ पे बाय किया जा सकता है? भाई हमें तो लगता है वेट किया जा सकता है, ऐसा समझिए। जिसके पास होल्डिंग में है वो क्या कर सकते हैं? देखिए, जिनके पास होल्डिंग में होगा ऑब्वियसली अगर नीचे से, तो वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे, उन्होंने अपने स्टॉप लॉस के साथ इसमें प्रॉफिट बुक भी किया होगा। नहीं किया है या फिर लॉन्ग टर्म के विजन है तो अलग ही बात है। नहीं किया है तो भी वो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर स्टॉक अभी तेजी के इंडिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है उसको समझिए। यहां पे स्टॉक ने देखिए यहां पे एक डबल टॉप जो है वो बनाया, ऐसे डबल टॉप बनाया, फिर स्टॉक यहां से गिरना शुरू हो गया था, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। अब स्टॉक के लिए यहां पे पीछे एक रेजिस्टेंस था, ये लेवल है 460 रुपीस का, मैं आपके सामने लिखता हूं। चलिए यहां पे मैं लाइन ही लगा देता हूं, लिखना छोड़िए, ही मैंने आपके सामने लाइन लगा दी। 460 के आसपास का रेजिस्टेंस है। आप ध्यान से देखिए कितनी बार यहाँ पे यहाँ प्राइस एक्शन हुआ है। जब तक स्टॉक इसके नीचे रहेगा, स्टॉक अंडर सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो यहाँ पर इस बात को आपको नोट डाउन करना होगा कि चार्ट पे ट्रेंड भी नेगेटिव है, सेलिंग प्रेशर भी बना हुआ है। अब और क्या किया जा सकता है? देखो, स्टॉक ने अभी 380 के आसपास सपोर्ट लिया है, इसको तोड़ते ही 350-60 के, और फिर उसके बाद में 340 के आसपास। तो आप मान के चलिए पहला 350-60 का रेंज होता है और दूसरा होता है 340 का। अगर आप टोटल मानना चाहें 340 से 360, ये टूटने के बाद ये इस रेंज में भी पॉसिबल है, इसका ध्यान रखना। ये बड़े पीछे रेजिस्टेंस बने हुए थे तो यहां पे बड़े सपोर्ट बन के भी एक्ट कर सकते हैं, ये बात हमें नोट करनी है। करेंगे ही क्या भैया? इसका आंसर मेरे पास नहीं है, क्योंकि चार्ट अभी कुछ भी कर सकता है। ना तो ये दिखा रहा है कि बहुत तेजी है, ना मंदी दिखा रहा है, तो कुछ भी कर सकता है। मुझे ये पता है अगर इसको तोड़ा नीचे में तो नीचे आएगा, इसको तोड़ा 460 को तो ऊपर जाएगा, बस मुझे इतना पता है। अब बिना इंडिकेशन के मैं कैसे बता दूं करेंगे ही क्या? कुछ लोगों की बीमारी होती है तो उसका यहां पे इलाज किया जाता है बढ़िया तरीके से। अब आपको समझ में आ गया होगा यहां पर। अब इसको यहां पे और ध्यान से देखिए डेली चार्ट पे, मैं आपके सामने डेली चार्ट लेता हूं। ट्रेंड तो नेगेटिव है इतना पता चल गया। डेली चार्ट पे मैंने आपके सामने लगाया 200 डेज का ईएमए, ये 200 ईएमए की आपके सामने कंप्लीट मैंने पिक्चर लगा दी। ध्यान से देखिए, स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है 200 ईएमए के आसपास से ही स्टॉक ऊपर चला जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सी चीजें देखनी होती है। 200 ईएमए के आसपास नेगेटिव इंडिकेशन नहीं थे, यहां पर वो नेगेटिव इंडिकेशन शुरू हो गए हैं। तो अब पहली बार ऐसा है कि 200 ईएमए के इतने नीचे जो है वो ट्रेड कर रहा है, वरना इतना नीचे स्टॉक नहीं जाता, तो ये एक नेगेटिव साइन है। इसलिए स्टॉक में अभी क्या किया जाना चाहिए उसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। थोड़ा सा वेट बनता है, 200 ईएमए अभी आ रहा है करीब 440 रुपए के आसपास, तो इस बात को भी हमें नोट डाउन करके रखना होगा। चलिए इसको फिर से हाइड करते हैं, वापस से करते हैं एक बार मंथली चार्ट पे एनालिसिस। वीकली पे कर लिया, डेली पे कर लिया, मंथली को ध्यान से देखिए। यहाँ पर पिछले जैसे ही स्टॉक डाउन साइड शुरू करता है तो प्रीवियस मंथ का हाई जो है वो स्टॉक काटने से मना कर देता है, उसके ऊपर चाहिए क्लोज, वो आ रहा है अभी 425 के आसपास। पहले इसको तो काटे, 460 तो दूर की बात है, पहले इसको तो काटे तब जाके बुलिश मोमेंटम बने, तब तक बुलिश मोमेंटम बनना भी नहीं है। एक्चुअल में बनेगा तो 460 के ऊपर ही, लेकिन बनना तो 425 के ऊपर, पहले वो तो चाहिए, थोड़ा इंडिकेशन तो आए, वो भी नहीं है, तो हम कैसे कहते कि बुलिश होगा? नहीं कह सकते। बड़ा सपोर्ट, ये रेंज आपको दिख रही होगी मंथली चार्ट पे कि हाँ ये बड़ा सपोर्ट की रेंज है, यहाँ पर स्टॉक के लिए आने के गेट तो
खुले हुए हैं, आता है नहीं आता वो अलग बात है, क्योंकि ऊपर में तेजी इसके ऊपर, नीचे में मंदी यहां तक खुली हुई है, ये हमें ध्यान में रखना होगा और उसके हिसाब से हमें कोई डिसीजन लेना होगा। अब क्वेश्चन, सर मेरे पास होल्डिंग में हो मैं क्या करूं? तो ध्यान से सुनिए, मैं तो इतना जानता हूं कि भैया अगर नीचे से काफी अच्छे से नीचे से होल्डिंग में, तो आपका एग्जिट ऑलरेडी 450 के आसपास बन चुका था, एज पर द टेक्निकल 450 के आसपास एग्जिट बना था। अब बाकी आप डिसीजन ले सकते हैं, समझदार है, आधा बेचना है पूरा बेचना है कैसे करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, मैं बेचने का नहीं बोल रहा हूं, आपकी मर्जी है, आपका विजन है। अब फ्रेश एंट्री कर ले क्या? फंडामेंटल बहुत बढ़िया है कंपनी के, अभी ले लूं इस प्राइस पे, कहीं ऊपर चला गया, क्या बात कर रहे हो सर, 460 पे लेने से अच्छा नहीं है 400 पे ले लो? आपको तो कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि 400 पे इंडिकेशन नहीं है कि कहां जाएगा और 460 पे इंडिकेशन रहेंगे कि कहां जाएगा, तो मुझे नहीं पता कि 400 से अभी क्या होगा, इसलिए हम वेट करने के मूड में रहेंगे, बड़ी बाय नहीं कर सकते। अरे सर क्या बात कर रहे हो, बड़ी बाय भी नहीं करनी, आप कह रहे हो कंपनी भी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं और स्टॉक आगे परफॉर्म भी बढ़िया कर सकता है, फंडामेंटल इतने अच्छे होने के बावजूद आप कह रहे हो बड़ी बाय नहीं करनी चाहिए, भाई ऐसा मुझे लगता है क्यों? तो अब करे तो करे क्या, पहले ये सुन लो कि यहां पर अब करने के लिए एक ऑप्शन बचता है कि स्टॉक 460 के ऊपर तेजी पकड़ता है और नीचे में 340 50 60 कहीं भी आ सकता है, तो बेटर ये है कि इन रेंज में इसको एक्यूमुलेट किया जाए। क्या किया जाए? एक्यूमुलेट। अच्छा अब समझ आया, हाँ अब समझ आ गया ना, एक्यूमुलेट किया जाए, क्यों? क्योंकि तेजी आएगी तो 460 के ऊपर, मंदी आएगी तो वो तो अभी चल रही है यहाँ पे, तो इस मंदी में बड़ा पैसा लगाने का क्या फायदा जब पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, और जिस दिन भी स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन की रेंज को कंप्लीट करके ऊपर जाएगा तो आपके पास माल इकट्ठा हुआ पड़ा रहेगा, टेंशन नहीं रहेगी अगर स्टॉक नीचे भी आता है तो, क्योंकि आपके पास धीरे धीरे बाय हो रहा है एक्यूमुलेशन जोन में। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं जिनमें कि बॉटम के इंडिकेशन नहीं होते, बॉटम के इंडिकेशन क्लियर नहीं होते, और उन स्टॉक की फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो बट चार्ट तेजी भी नहीं दिखा रहा, तो उनमें सिंपल सॉल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेट करते जाओ स्टॉक को धीरे धीरे, एक बार में बाय करने की बजाय। अब समझ आ गया ना, यही कहना चाह रहा हूं मैं इतनी देर से कि कैसे इसमें काम करना है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर करना है तो। बाकी इससे बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, ट्रेडिंग करनी है तो बुल रन स्टॉक्स, हमारा अनदर चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे देखो, स्टॉक ऑफ द वीक के वीडियोस आते हैं जहां मैं चार्ट्स बताता रहता हूं क्या हो सकता है अगले हफ्ते के लिए, कौन कौन से रडार पे रख सकते हो अगले 2-3 महीने के लिए, वो देख लो, वहां ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी समझ में आए तो कर लेना, वरना छोड़ देना, बाय सेल तो मैं बोलूंगा नहीं, ये आप ध्यान में रखिए। तो ये सुमितोमो के ऊपर एनालिसिस था, आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या किया जा सकता है। फंडामेंटली बहुत बढ़िया, टेक्निकली कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इसमें कैसे बाय कर ले बताओ फटाफट से, और कैसे सेल कर दें ऐसे कि भाई पूरा का पूरा माल बेच दें, तो इससे बेटर ऑप्शन वही था कि एक्युमुलेशन के लिए जाना है तो जा सकता है, वरना इससे बेटर ऑप्शन दूसरे भी मिल सकते हैं, आप कोई दूसरे स्टॉक की तरफ ध्यान दे सकते हो, जरूरी नहीं इसी स्टॉक की तरफ ध्यान दो। आई होप एनालिसिस क्लियर है, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट जरूर कर दीजिए, एनालिसिस सीखने के लिए वेब एनालिसिस में आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए हमसे, पूछ लीजिए कि एनालिसिस कैसे करते हैं, कोर्स कैसे होता है, वेब एनालिसिस प्रोग्राम कैसे मैं आपको सिखाता हूं 2 महीने 1-to-1, और उसके बाद लाइफ टाइम आप कैसे हमारे ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट बनकर रहते हैं। अगर आपको चार्ट सीखने हैं और चार्ट सीखने के लिए अभी आपके पास पैसे नहीं है, वेब एनालिसिस ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन, तो आप चार्ट को जानना चाहते हैं, लेवल समझना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स स्लाइस ब्लू, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, अकाउंट खुलाकर हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट होइए, जहां पे चार्ट विद लेवल मैं पोस्ट करता रहता हूं कि कौन से चार्ट अभी मेरे रडार पे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, वो प्रीमियम डिस्कशन ग्रुप है जहां पे मैं चार्ट पोस्ट करता हूं, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं अकाउंट खुलवाकर। अगले वीडियो मुलाकात, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।